हाय गाइस, वेलकम बैक टू द डे 3 ऑफ नवरंगी नवरात्रि। आज का कलर है ब्लैक और आज का ट्यूटोरियल होने वाला है हिंदी में। तो सबसे पहले मैं आई मेकअप करूँगी। इसी आई शेडो पैलेट से एक डार्क ब्राउन कलर की मदद से मैं अपने आईब्राउज को फिल करूँगी। तो सबसे पहले मैंने एक स्पूली से अपने आईब्राउ हेयर को ब्रश अप किया और अब मैं एक एंगल्ड ब्रश की मदद से एक डार्क ब्राउन आई शेडो पाउडर लेके अपनी आईब्राउ को फिल कर लूँगी। इसके बाद मैं एक लाइट कंसीलर लूँगी और उससे मैं अपने आईब्राउज़ को कार्व आउट करूँगी, प्लस उसी कंसीलर को मैं अपनी आईलिड्स पे भी लगाऊँगी ताकि मेरे आई शेडो को एक बेस मिले और कलर्स काफ़ी वाइब्रेंटली पॉप आउट करेंगे। अब मैं इसे ब्लेंड करने के लिए एक कंसीलर ब्रश की यूज़ करूँगी और मैं डैबिंग मोशन में अपना कंसीलर ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं इसके ऊपर ब्यूटी स्पंज की मदद से डैब करूँगी ताकि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकल जाए और क्रीसिंग के चांसेस कम हो जाए। अब कंसीलर ब्लेंड हो गया है तो हम अपना आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं एक ऑफ वाइट कलर के पाउडर से या लूज पाउडर से अपने कंसीलर को सेट करूँगी ताकि क्रीसिंग ना हो। अब मैं एक डार्क मीडियम डार्क ब्राउन कलर लूँगी और उसे मैं अपनी क्रीज में प्लेस करके उसे ब्लेंड करूँगी विंडशील्ड वाइपर मोशन और स्मॉल सर्कुलर मोशन में ताकि अच्छे से एक ट्रांजिशन मिले। और अब मैं एक लाइटर शेड ऑफ ब्राउन यूज़ करके उसके ऊपर ब्लेंड करूँगी इन स्मॉल सर्कुलर मोशंस ताकि एक ब्यूटीफुल ग्रेडियंट एंड ट्रांजिशन मिले। अब मैं जेल लाइनर यूज़ करूँगी और एक कट क्रीज की तरह इसे अपने आईलिड्स पे प्लेस करूँगी ताकि मेरी स्मोकी आईज को एक बेस मिले और वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंटली विजिबल हो। तो ये ब्लैक मैंने लगा लिया है अपने लिड पे। अब मैं उसी के ऊपर ब्लैक कलर का आई शेडो लगाऊंगी ताकि एक मैट लुक मिले, प्लस मेरा स्मोकी आई बहुत इंटेंस लगेगा। और अब मैं वही जो मीडियम ब्राउन कलर था उसी की मदद से वापस इस ब्लैक को ब्लेंड करूंगी ताकि बहुत सीमलेस लुक आए और आई शेडो काफ़ी ब्लेंडेड लगेगा। तो अब मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी। इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता है तो अपना अच्छे से टाइम ले और उसके ऊपर फिर से एक बार क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से रन करें ताकि सब कुछ अच्छे से ब्लेंड हो जाए। अब मैंने अपने फिंगर में ब्लैक कलर का ग्लिटर लिया है और उसे मैं अपने आईलिड पे प्लेस करूँगी जहाँ पे ब्लैक है। अब वही दूसरी आई पे भी कर लिया है तो बेस मेकअप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं अपना प्राइमर लगा रही हूँ अपनी टी जोन पे जहाँ पे मेरे को सबसे ज़्यादा ऑयल आता है। अब फाउंडेशन लगाने के लिए मैं डॉट करूँगी ऑल इवनली अक्रॉस माई फेस। मैंने दो फाउंडेशन यूज़ किए हैं अपना परफेक्ट शेड मैच बनाने के लिए और अब मैं इसे ब्लेंड करूँगी ब्यूटी स्पंज की हेल्प से। नाउ अगेन, इस प्रोसेस में आपको सीमलेस और फ्लॉलेस बेस के लिए बहुत टाइम लगा के आराम से इसको धीरे धीरे ब्लेंड करना है। और मैं जब तक ये करती हूँ, आप प्लीज़ नीचे रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो अब मेरा फाउंडेशन ब्लेंड हो गया है। अब मैं एक फुल कवरेज कंसीलर लूँगी और उसको मैं अपने अंडर आईज पे अपने आईब्राउज के ऊपर कार्व करूँगी और जो मेरी चीक पे एक्ने मार्क्स हैं थोड़े बहुत, उस पर भी मैं यही फुल कवरेज कंसीलर लगा के अब मैं इस सब को ब्लेंड करूँगी यूजिंग अ डैम ब्यूटी ब्लेंडर, अगेन इन लाइट डैबिंग मोशन। आप इस प्रोसेस के लिए ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई थिंक ब्यूटी ब्लेंडर से थोड़ा सा ज़्यादा एक फ्लॉलेस लुक मिलता है, प्लस जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है वो अब्जॉर्ब हो जाता है। बट अगर आपको एक ज़्यादा फुल कवरेज लुक चाहिए तो आप ब्रश यूज़ कर सकते हैं। तो अब मेरा कंसीलर भी ब्लेंड हो चुका है तो अब हम मूव करेंगे पाउडर की तरफ। तो मैं ये वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टोर पैलेट में से ही बनाना पाउडर लेके अपने अंडर आइज़ को सेट करूँगी और अब मैं इसी पाउडर की हेल्प से अपना फेस सेट कर लूँगी। बहुत अच्छा पाउडर है, एक ब्राइटनिंग इफ़ेक्ट देता है। अब मैं इसी पैलेट में से कॉन्टोर शेड लेके अपनी चीक बोन्स को स्कल्प्ट करूँगी, अपनी जॉ लाइन को स्कल्प करूँगी और यही सेम कॉन्टोर पाउडर मैं अपने फोरहेड पे भी लगाऊंगी एंड देन आई विल यूज़ द सेम पाउडर टू कॉन्टोर माय नोज़। अब कॉन्टोरिंग हो गई है। अब ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का ब्लश। बहुत ही डस्टी रोजी पिंक कलर है, बहुत सुंदर लगता है। अब एल्फ के हाइलाइटर से मैं अपने हाई पॉइंट्स को हाईलाइट करूँगी। सबसे पहले अपनी आईब्राउ बोन इनर कॉर्नर और एक फैन ब्रश की हेल्प से अपनी चीक बोन्स, ब्रिज ऑफ माई नोज़ and the tip of my nose, it looks beautiful। अब मेकअप फिक्स यूज़ करके पूरा मेकअप सेट कर देंगे
और अब हम वर्क करेंगे अपनी अंडर आइज पे। तो सबसे पहले मैं अपनी वाटर लाइन पे वही जेल आईलाइनर लगा रही हूँ, आप कोई भी काजल यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद मैं एक प्रिसाइज ब्रश यूज़ करूँगी और इस काजल को स्मच कर लूँगी ताकि बहुत एक हार्श लाइन ना लगे, वो बहुत गंदा लगता है। तो जस्ट स्मच इट आउट एंड इट लुक्स ब्यूटिफुल। ट्राई दिस टेक्निक और आपके काजल से ही आपके लुक में चार चांद लग जाएंगे। तो यही सेम मैं अपनी दूसरी आई पे भी कर लूँगी एंड आफ्टर दैट आई विल यूज़ मस्कारा टू फिनिश ऑफ द आई लुक। मैं मस्कारा यूज़ करूँगी, मैं फॉल्स लैशेज यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो मैं इसी मस्कारा को अपनी अपर लैशेज और लोअर लैशेस दोनों पे लगाऊंगी। सो आप चाहें तो इसको लेयर कर सकते हैं, बहुत ब्यूटिफुली आपको फॉल्सीज का ही इफेक्ट दे देता है। बट आई टेंड टू यूज़ जस्ट वन कोट ऑफ मस्कारा। तो अब मैं लिपस्टिक यूज़ करूंगी, माय कल्ट फेवरेट न्यूड नुआंस फ्रॉम मेबेलिन क्रीमी मैट रेंज, और इसे मैं अपने लिप्स पे अच्छे से अप्लाई करूंगी। आई विल कीप माय लिप्स मैट टुडे। और इसी के साथ मेरा लुक कंप्लीट होता है। I am obsessed with this look. आप मुझे कॉमेंट में बताएं आपको ये लुक कैसा लगा, एंड ऑल्सो कॉमेंट में मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि डे 4 का कलर क्या होगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। आई विल सी यू सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।